हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अकाउंट के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो कि आप अकाउंट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे वो आपका एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो कॉमर्स से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू अ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस। यानी कि फ्रेंड्स, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस में अप्लाई नहीं होता है। ऑप्शंस है, मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल हैविंग अ कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि जो मेंबरशिप होती है वो कॉमन इंटरेस्ट होगा सबका उसमें। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज परमिटेड अमंग जनरल पब्लिक, यानी कि ट्रांसफरेबिलिटी होती है वो जनरल पब्लिक में परमिट होती है कि आप जनरल पब्लिक में अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। थर्ड है, पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय द मेंबर इन अ जनरल मीटिंग, यानी कि जो पॉलिसी डिसीजंस है वो जनरल मीटिंग में मेंबर के द्वारा लिए जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन है, मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स बाय वे ऑफ डिविडेंड, यानी कि जो मेजर पोर्शन होगा किसी प्रॉफिट का वो सारे मेंबर्स में से दो मेंबर्स को डिविडेंड के वे में दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ पर किस कौन सा यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अगर हम बात करें कि कौन सा यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे फ्रेंड्स नॉट दे रखा है, तो कौन सा एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये है ऑप्शन डी कि यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसा हो, ये भी सही है कि कॉमन इंटरेस्ट होता है और अगर वो कंपनी कोऑपरेटिव फॉर्म चाहे तो वो ट्रांसफर करा सकती है अपने शेयर्स को और वो जनरल मीटिंग में भी पॉलिसी डिसीजन ले सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कि सिर्फ दो मेंबर को यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड के फॉर्म में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये कोऑपरेटिव फॉर्म में नहीं होता है और ना ही एप्लीकेबल किया जाता है। नेक्स्ट है, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट एक्सीड, यानी कि जो बायबैक इक्विटी शेयर्स होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर में किससे ज़्यादा नहीं हो सकते, 5% इट्स टोटल कैपिटल, यानी कि जो टोटल कैपिटल होगी उसकी 5% से ज़्यादा, 25% ऑफ नॉमिनल शेयर वैल्यू, यानी 25% नॉमिनल शेयर कैपिटल से। थर्ड है, 25% ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसके 25% से ज़्यादा, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, बायबैक इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो हमारे एक्सीड नहीं होने चाहिए 25% से ज़्यादा, यानी कि जो 25% फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल होंगे उससे ज़्यादा हम बायबैक इक्विटी शेयर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज, यानी कि प्राइवेट कंपनी के केस में जो मिनिमम नंबर होते हैं वो कितने होंगे, 1, 2, 5, 10। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, मिनिमम नंबर होते हैं प्राइवेट कंपनी में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर द इश्यू ऑफ ऑल फॉरफीचर शेयर शुड बी, यानी कि जो फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस है फॉरफीचर शेयर को द्वारा इश्यू करने के बाद कहाँ से हो, मतलब कहाँ पे उसको ट्रीट किया जाएगा, वो ट्रांसफर किया जाएगा गुडविल अकाउंट में, या फिर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, या फिर शोन एज शेयर फॉरफीचर अकाउंट, या फिर एडेड टू पेड अप कैपिटल। तो फ्रेंड्स, अगर वो द्वारा से इश्यू किया जाता है इस तरह की चीज़ें, तो फ्रेंड्स ये शो की जाती हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, फॉरफीचर शेयर के अमाउंट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड, यानी कि कौन से पेयर इसमें करेक्टली मैच्ड हैं। व्हेन अ कंपनी इश्यू इट्स सिक्योरिटीज एट अ प्राइस मोर देन द फेस वैल्यू, यानी कि शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट, यानी कि कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू करती है जो भी उसका प्राइस होता है उससे ज़्यादा फेस वैल्यू पे, ज़्यादा फेस वैल्यू से ज़्यादा उसको इश्यू करती है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट, या फिर व्हेन शेयर इश्यूड एट अमाउंट लेस देन पर वैल्यू ऑफ शेयर, यानी कि जो पर वैल्यू ऑफ शेयर है उससे कम पे इश्यू करती है तो वो इश्यू शेयर्ड एट प्रीमियम कहलाता है, या फिर व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एट देयर फेस वैल्यू वो शेयर इश्यूड एट पार कहलाता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि मोर देन प्राइस से वो ज़्यादा रख रहा है प्राइस, तो वो फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्काउंट की बात कर रहा है तो वो डिस्काउंट नहीं, वो प्रीमियम कहलाता है, और यहाँ लेस देन की बात कर रहा है और यहाँ बोल रहा है प्रीमियम, तो ये भी गलत है क्योंकि फ्रेंड्स लेस देन में प्रीमियम ना होके डिस्काउंट होगा।
जबकि फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात कर रहा है कि वो फेस वैल्यू पर, अगर ये फेस वैल्यू पर है तो फेस वैल्यू पर अगर जितना अमाउंट होता है शेयर का फेस वैल्यू होती है उतने पर ही उसको इश्यू किया जाता है, तो उसे एट पार बोला जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, राइट शेयर्स आर द शेयर्स, राइट शेयर्स शेयर्स होते हैं कौन से, डेट हैव अ राइट ऑफ रिडेम्पशन, यानी कि जिनके पास रिडेम्पशन का राइट होता है, या फिर ऑफर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं, या फिर लीगली इश्यूड टू पब्लिक एट लार्ज, यानी कि जो लीगली इश्यू कर दिए जाते हैं पब्लिक को लार्जली, या फिर इश्यूड बाय अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, यानी जो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है उसको इश्यू किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर राइट शेयर की बात करें तो राइट शेयर ऑलवेज उन लोगों को इश्यू किए जाते हैं जो कि फर्म के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, अ कंसर्न शुड सेलेक्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी विच इनेबल्स टू, यानी कि जो एक कंसर्न है कोई कंपनी है वो अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करनी चाहिए, उसे किस बेसिस पर, पे द प्रॉपर अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि जो जब वो अकाउंटिंग पॉलिसी अपनी बनाती है तो वो अकाउंटिंग इनकम टैक्स के अमाउंट को प्रॉपर पे करने के लिए, या फिर कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड, या फिर ये कैलकुलेट करने के लिए कि हैंड में कितना कैश है, या फिर प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड प्रॉफिट ऑफ लॉस, या फिर प्रेजेंट में सही और बिल्कुल फेयर व्यू लेने के लिए कि कितने स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब किस तरह की वॉकिंग हो रही है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, या फिर बोथ ए एंड पी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वो अपने अकाउंटिंग पॉलिसी इस तरह से प्रिपेयर करेंगी, बनाएंगी, सेलेक्ट करेंगी, जिससे कि कंपनी की वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को इजीली फाइंड आउट कर पाए कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, और जो भी ट्रू एंड फेयर व्यू होगा उसको प्रेजेंट कर पाए। नेक्स्ट है, द डिवीजन ऑफ शेयर डज नॉट रिजल्ट इन ऑफ कैपिटल, यानी कि इन फ्रेंड्स यहाँ पर इन दोनों के बीच में डैश है, यहाँ पर हमको फिल करना है इसमें से कि कौन सा करेक्ट है, यानी कि जो फ्रेंड्स शेयर्स ऑफ सुपर डिवीजन सब डिवीजन है वो हमारा किसका रिजल्ट नहीं है, रिडक्शन का, इंक्रीज का, सब डिवीजन का, या नन ऑफ दीज का। तो फ्रेंड्स अगर हम शेयर को सब डिवीजन करते हैं तो फ्रेंड्स उसका एक ही पर्पस होता है कि हमारे हमने जितने इश्यू किए थे शेयर्स उससे ज़्यादा की एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम सब डिवीजन कर देते हैं शेयर का। तो इसका राइट आंसर है इस रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन टू और मोर कंपनीज लिक्विडेट टू फॉर्म अ न्यू कंपनी इट इज कॉल्ड, यानी कि फ्रेंड्स जब दो या दो से अधिक कंपनी लिक्विडेट होती हैं किसी नई कंपनी को फॉर्म करने के लिए तो क्या कहलाती हैं, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन, या फिर परचेज ऑफ बिजनेस। तो फ्रेंड्स कभी भी कोई भी कंपनी लिक्विडेट होती है और एक नई कंपनी फॉर्म होती है तो उसको हम बोलते हैं अमलगमेशन, जबकि एब्जॉर्प्शन में लिक्विडेट तो हो जाती है लेकिन कोई भी कंपनी फॉर्म नहीं होती है। रिकंस्ट्रक्शन में फ्रेंड्स रिकंस्ट्रक्शन दो तरह से हो सकता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो अलग पर्पस है उसको करने का। परचेज ऑफ बिजनेस में होता है कि एक एक फाइनेंशियली साउंड कंपनी किसी और कंपनी को परचेस कर रही है, यहाँ पे परचेस किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस होगा हमारा करेक्ट वो होगा अमलगमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 परचेस कंसिडरेशन इज व्हाट इज पेबल टू, यानी कि जो परचेस कंसिडरेशन होता है वो किसके पेबल के लिए होता है, डिवेंचर एंड क्रेडिटर्स के लिए, शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स के लिए, शेयर होल्डर्स एंड डिवेंचर्स के लिए, या फिर शेयर होल्डर्स के लिए। तो फ्रेंड्स अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की बात करें तो ये यहाँ पर बात करता है परचेस कंसिडरेशन शेयर होल्डर्स के रेफरेंस में, कि शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज पेड, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है हमारा, सिक्योरिटीज पे कोई भी इंटरेस्ट हम दे रहे हैं तो हमारी वो पेड होती है किस वजह से, टू द ओरिजिनल परचेजर ऑफ द सिक्योरिटी, यानी कि जो ओरिजिनल परचेजर होगा सिक्योरिटी का उसको पे करने के लिए, या फिर हम टू द होल्डर्स ऑफ द सिक्योरिटी ऑन द ड्यू डेट, यानी कि जो ड्यू डेट पर सिक्योरिटी का होल्डर होगा उसको
या फिर इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग, यानी कि जो उसके एक्चुअल पीरियड जो होगा उसका होल्डिंग का, उसके इररेस्पेक्टिव में, या फिर टू द होल्डर्स ऑफ द सिक्योरिटी ऑन ड्यू डेट, जो होल्डर्स होगा ड्यू डेट पर उसको इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग, और ये देखने के लिए कि एक्चुअल पीरियड उसका होल्डिंग का कितना था, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट पेड किया जाता है तो ये देखा जाता है कि जो भी सिक्योरिटीज का होल्डर है ड्यू डेट पर क्या ड्यू डेट थी, और ये देखा जाता है कि उसका जो रेस्पेक्टिव है, ठीक है, यानी कि जो भी होल्डिंग का जो टाइम पीरियड है एक्चुअल पीरियड, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उसको इंटरेस्ट को पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज क्रेडिटेड, यानी कि जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होती है वो क्रेडिटेड होती है, वॉलेंटरली, लीगल रिक्वायरमेंट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव, यानी कि जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का जो है हमारा, वो कैसे किस तरह से क्रेडिटेड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट होती है तभी इस तरह की कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो होता है हमारा क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट है एंड रिड्यूस वर्ड्स। फ्रेंड्स, एंड रिड्यूस वर्ड्स का मतलब यहाँ पे दे है कि आपने देखा होगा कंपनी के अंदर कि एंड वर्ल्ड लिखा होता है मोस्टली कंपनीज के आगे, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड एंड एंड वर्ल्ड लिखा होता है। तो वहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो एंड वर्ल्ड है उसको रिड्यूस किया जा रहा है बैलेंस शीट में एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ, यानी कि जो बैलेंस शीट में एंड वर्ल्ड रिड्यूस कर रहे हैं तो किसकी रिक्वायरमेंट पे होगा, कंपनी लॉ, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर सेबी। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह से एंड वर्ड को यहाँ से हटाया जाता है तो ये हटाया जाता है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन वो ए, जो कि है कंपनी लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स हैव टू बी सबमिटेड बिफोर द कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग एज पर द कंपनीज एक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा सबमिट होगी बिफोर द कंपनीज एनुअल जनरल, मतलब जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, उसमें से यहाँ किसको सबमिट की जाएगी रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, एनुअल, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यानी कि फ्रेंड्स, जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें से यहाँ पर जो भी रिपोर्ट की जाएगी सबमिट, वो कौन सी की जाएगी, यानी किसको की कौन सी रिपोर्ट की जाएगी, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, या फिर यहाँ पर ये सभी चीजें यहाँ पे सबमिट की जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एनुअल जनरल मीटिंग की, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में ये सभी चीजें वहाँ पे सबमिट की जाएंगी। नेक्स्ट है, विद इन हाउ मेनी डेज मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड, यानी कि जो कितने दिन के अंदर जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो रिसीव हो जाना चाहिए, 16 days, 100 days, 120 days, या 150 days। तो फ्रेंड्स, अगर हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो उसके लिए 120 days रखा गया है कि 120 days के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, इन विच अकाउंट द एक्सेस प्राइस रिसीव्ड ओवर द पार वैल्यू ऑफ शेयर शुड बी क्रेडिटेड टू, यानी कि किस अकाउंट में जो एक्सेस प्राइस रिसीव्ड होगा पार वैल्यू के ऊपर वो क्रेडिट किया जाएगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में, रिजर्व कैपिटल अकाउंट में, या फिर शेयर प्रीमियम अकाउंट में। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जो हमारा जो एक्सेस प्राइस है किसी भी चीज का, वो हमारा किसमें क्रेडिटेड किया जाएगा, तो फ्रेंड्स ये क्रेडिट किया जाएगा शेयर प्रीमियम में, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सेस प्रीमियम की बात कर रहा है। एक्सेस प्रीमियम का मतलब होता है वो सॉरी एक्सेस प्राइस की बात कर रहा है। एक्सेस प्राइस का मतलब यहाँ पर है शेयर प्रीमियम से, जो कि हमें किससे मिल रहा है, जो भी पार वैल्यू से हम अबव ले रहे हैं, तो वो शेयर का पार्ट हो गया शेयर प्रीमियम का, तो हम शेयर प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिटेड करेंगे। नेक्स्ट है, द मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन इज और आर, यानी कि जो अमलगमेशन के मेथड्स हैं वो इसमें से कौन सा है। ऑप्शंस में आपको बताना है, द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, द परचेज मेथड, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे मेथड की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी अमलगमेशन का मेथड है और परचेज भी अमलगमेशन का एक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनीज नेशनैलिटी इज डिसाइडेड बाय इट्स, कंपनी की जो नेशनैलिटी वो किससे डिसाइड की जाती है, शेयर होल्डर्स से, रजिस्टर्ड ऑफिस से उसके,
प्लेस एट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कैप्ट, यानी कि जहाँ पर जो उसकी बुक अकाउंट्स की बुक्स हैं वो रखी गई हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स किसी भी कंपनी की नेशनैलिटी हम डिसाइड कर सकते हैं उसके रजिस्टर्ड ऑफिस से, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है और वो कहाँ पर है, उसका वो एड्रेस है। मतलब अगर कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है तो वो इंडियन कंपनी है, अगर वो फॉरेन में रजिस्टर्ड हुई है तो वो फॉरेन कंपनी है। नेक्स्ट है द स्टैचुरी मीटिंग ऑफ अ कंपनी इज कन्वेड। ये जो स्टैचुरी मीटिंग है, जो स्टैचुरी मीटिंग होती है कंपनी की, वो कब होती है? वंस इन अ ईयर, यानी साल में एक बार। वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी, यानी पूरी कंपनी की लाइफ में एक बार। वंस इन 6 मंथ्स और वंस इन 3 मंथ्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्टैचुरी मीटिंग है कंपनी की, वो वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की लाइफ में एक बार होती है स्टैचुरी मीटिंग। नेक्स्ट है द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट इज अ मेथड ऑफ। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट किसका मेथड है? वॉलंट्री ऑफ इन्वेंट्री का, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन का, अकाउंटिंग ऑफ एमलगमेशन का, वॉलंट्री वैल्यूइंग गुडविल का। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपने देखा, ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, अभी हमने ऊपर इसी तरह का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स यही सारे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है अकाउंटिंग ऑफ एमलगमेशन, ऑप्शन 3 हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है विच अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स आर इश्यूड टू प्रमोटर्स फॉर द सर्विस ऑफर्ड बाय देम। यानी कि इनमें नॉमिनल वैल्यू जो है शेयर की, वो कौन से अकाउंट से डेबिट की जाएगी जब हमारे शेयर इशू किए गए हैं प्रमोटर्स को, जो भी उन्होंने सर्विस दी है उसके एवज में, या फिर उसके बिहाफ पर, या फिर जो भी वो सर्विस दे रहा है उसकी जगह हमने उसको वो शेयर्स इश्यू किए हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आएंगे, असेट्स अकाउंट में आएंगे, गुडविल में आएंगे, या शेयर कैपिटल में आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं तो ये आते हैं हमारे गुडविल का पार्ट, ठीक है। ये प्रमोटर्स को दे रहे हैं तो ये गुडविल का पार्ट में आएगी, तो गुडविल अकाउंट में डेबिट की जाएगी। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इज टू एस्टैब्लिश अ स्टैंडर्ड एस टू, यानी कि जो पर्पस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का उसको क्या एस्टैब्लिश करना है, द डिजायरेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज, या फिर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, या फिर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, या प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की, तो वो बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि इसमें से हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। राइट शेयर आर फर्स्ट ऑफर टू एम्प्लॉयज, यानी कि जो राइट शेयर्स हैं वो एम्प्लॉयज को पहले दिए जाते हैं। राइट शेयर्स आर ऑफर्ड इन लियो ऑफ डिविडेंड, यानी राइट शेयर्स डिविडेंड की जगह दिए जाते हैं। राइट शेयर्स आर ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स हेल्ड बाय देम, यानी कि राइट शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, जितना भी उन्होंने इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, जितने प्रोपोर्शन में उन्होंने इक्विटी शेयर होल्डर्स लिए हैं उस प्रोपोर्शन में। या फिर राइट शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर ऑफर टू द प्रोमोटर्स, यानी कि राइट शेयर्स या फिर वो शेयर्स हैं जो कि प्रोमोटर्स को दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी अभी हमने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट स्टेटमेंट है वो है हमारा ऑप्शन 3। राइट शेयर होल्डर्स सिर्फ ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, और ये इक्विटी शेयर होल्डर्स उन्होंने जितने प्रोपोर्शन में लिए हैं ये उस प्रोपोर्शन में दिए जाते हैं। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।